सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम मिसाइल लॉन्च करने वाला स्काई शॉट बनाएंगे और ये स्काई शॉट हम मैचस्टिक से बनाएंगे। तो चलिए इस 20 स्काई शॉट को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले एक मैच बॉक्स लेंगे और इसमें से हम सारी मैचस्टिक का पाउडर एक पेपर के ऊपर निकाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक स्काई शॉट बनाने के लिए एक मैच बॉक्स में जितनी भी मैचस्टिक होती है उन सभी का पाउडर हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सब मैचस्टिक में से पाउडर को निकाल दिया है। अब हम पेपर को फोल्ड करेंगे और इसे हम पेन की हेल्प से रोल कर देंगे ताकि हमारा पाउडर एकदम फाइन हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा पाउडर एकदम फाइन हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और नेक्स्ट हम रोल कैप लेंगे। अब इस रोल कैप में से हम 5 डॉटेड पार्ट को कट कर देंगे और इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 डॉटेड पार्ट को कट करके इस पाउडर में मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट हम 13x13 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पेपर लेंगे और इसे एक पेन की हेल्प से रोल कर देंगे। पेपर को रोल करने के बाद इस पर हम ग्लू लगाएंगे और इसे हम स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पेपर की पाइप बंद करके तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसका एक बॉल बनाएंगे। इस बॉल को हम पाइप के पीछे फिट कर देंगे और इसके पीछे हम ग्लू लगा देंगे। ग्लू सूख जाने के बाद इसमें हम मैचस्टिक का पाउडर भर देंगे। मैचस्टिक का पाउडर भरने के बाद हम इसमें एक मिसाइल डालेंगे और पाइप के ऊपर ग्लू लगा करके इस पर हम एक पेपर को चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्काई शॉट बन करके तैयार है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे स्काई शॉट को बना दिया है। अब हम इन सभी स्काई शॉट को एक साथ एक सेलो टेप से चिपका देंगे। सेलो टेप से चिपकाने के बाद लास्ट वाले में हम ग्लू लगाएंगे और इसे सर्कुलर फॉर्म में चिपका देंगे। नेक्स्ट हम एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसे मैंने सर्कल फॉर्म में कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और सभी स्काई शॉट को इसके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी स्काई शॉट को चिपका दिया है। अब हम एक स्काई शॉट के नीचे 2 होल करेंगे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। होल करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने होल को कर दिया है। अब हम फ्यूज लेंगे और फ्यूज को इन स्काई शॉट में हम इंसर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फ्यूज का एक एंड पहले वाले स्काई शॉट में डाल रहा हूँ और दूसरा एंड दूसरे वाले स्काई शॉट में, जिससे कि हमारे सारे स्काई शॉट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। इसी तरीके से हम सारे स्काई शॉट में होल कर देंगे और सभी में हम फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे और लास्ट वाले में हम बड़ा फ्यूज रखेंगे ताकि इसे हम जला सके। और इनकेस फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो आप इसे आराम से घर पर बना सकते हो। फ्यूज को कैसे घर पर बनाते हैं उसका वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल रखा है, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे स्काई शॉट में फ्यूज को इंसर्ट कर दिया है और लास्ट वाले में बड़ा फ्यूज रखा है ताकि इसे हम जला सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, हमारे सारे स्काई शॉट कितनी अच्छी तरीके से वर्क हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई क्रैकर के रिलेटेड आइडियाज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, मैं उन्हें ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।